मगध प्रमंडल की एक लौटते पार्वती अस्पताल में अचानक कौवे की मौत से हर किसी को सख्ती में डाल दिया है। 3 दिन के अंदर 1 दर्जन से अधिक कौवे की मौत होने की खबर है। कौवे की बीमारी के संक्रमण से ग्रसित होकर इधर उधर तड़पते नजर आए और देखते ही देखते कई कौओं ने दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल प्रबंधक ने पशुपालन विभाग की टीम ने कौए की मरने की सूचना पाकर अस्पताल में पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया और मरे हुए कौए का सैंपल लिया गया है। जांच के लिए कोलकाता लैब भेजा जाएगा। वहीं अधिकारियों ने कहा कि प्रथम दृष्टा से रानीखेत जैसी बीमारी प्रतीत होती है, हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। पर्वतीय अस्पताल कैंपस में कुछ कौवे मरे हुए पड़े नजर आए, 10-20 की संख्या में थे, जिसकी सूचना पशुपालन विभाग को दिया गया और पशुपालन विभाग की टीम इस अस्पताल परिसर में आए और कुछ सैंपल 4-5 सैंपल के तौर पर कलेक्ट करके चले गए। अभी भी उस तरह की जैसा कि देख रहे हैं सिलसिला जारी है। कौवे मर गए, टोटल कितना हुए मर गए? 10-20 तो मर ही गए हैं और बाकी लोग क्या किए और बाकी लोग को देख रहे हैं जैसा कि है स्थिति, बाकी मरने जा रहा है। जमीन में जहाँ तहाँ गिरे पड़े हम नज़र आ रहे हैं। उन लोगों क्या किए? उन लोगों को जो सिस्टम होता है, पैर टेढ़ा हो जा रहा है, पैर टेढ़ा होने के बाद उड़ नहीं पा रहा है, उसके बाद गर्दन पकड़ जा रहा है, उन जैसा देखने में लग रहा है गर्दन अंदर की ओर ऐसे घुसा लेता है, उसके बाद फिर धीरे 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 खत्म हो जाता है। ठीक है, कुमार।